अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको लाई हूँ पेठे के हलवे की रेसिपी। इसको कद्दू का हलवा भी कहा जाता है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है सूजी। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप सूजी है। उसको आप थोड़ा सा भून लें, ऑयल आपको शामिल नहीं करना, ऐसे ही उसको भूनना है। भुनने के बाद जब इसके एक अच्छे से खुशबू आ जाए तो आपने 3 से 4 अदद इलायची लेके उसको आप पाउडर बना लेना है और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर आपने बिल्कुल अच्छे से इसको भून लेना है। चार से पाँच मिनट तक अच्छे तरीके से आपने इसको भूनते रहना है। अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी। 1 कप घी आप इसमें अभी ऐड करेंगे और बाद में भी मज़ीद थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड होता रहेगा, लेकिन अभी आपने 1 कप इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से बिल्कुल मिक्स होने के बाद अब ये मेरे पास है पेठा, जिसको मैंने सिंपली कट करके बॉईल कर लिया था। पानी मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि ये अपना पानी खुद छोड़ता है। और इसको बॉईल करते हुए मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि चीनी भी थोड़ा अपना पानी छोड़ती है, तो वो इसके साथ ही ड्राई हो गया था। बस आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको कट करके बॉईल कर लेना है और 1 कप चीनी डाल के बस। और ये देखिए, फिर हम इसको अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और फिर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगती। हालांकि आपको पता है हलवे में बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, थोड़ी सी भुनाई इसकी भी होगी लेकिन बहुत मेहनत नहीं है। इसके बाद ये मेरे पास है खुश्क दूध, ये हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 कप खुश्क दूध हम इसमें ऐड करेंगे और फिर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बिल्कुल इसको आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। फ्लेम बहुत हाई नहीं रखनी वरना ये नीचे लगने लग जाएगा और नीचे से जल जाएगा। इसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये मेरे पास अब चीनी है 1/3 कप। अब चीनी जो है, अब इस पॉइंट पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करते रहें, जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना इसमें शामिल करें। इसके बाद थोड़ी सी चीनी और मैंने ऐड की थी, तो यानी कि टोटल जो मैंने चीनी ऐड की है वो 2 कप ऐड की थी। आप अपने मीठे का जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ताकि जो कलर है हलवे का वो थोड़ा सा और अच्छा सा आ जाए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर लें, नहीं तो इसका जो अपना कलर है आप वो भी छोड़ सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो कलर है वो सारे तरफ इक्वली डिवाइड हो जाए, इक्वली मिक्स हो जाए। साथ साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना आप लोगों ने, और साथ साथ आप 1/1 टेबलस्पून करके घी भी ऐड करते जाएं, जिससे ये थोड़ा सा और जो है ऐसे ग्रीस सा बनेगा, बहुत ड्राई नहीं होगा। सर्दियों में तो हलवे वैसे ही बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो आप लोगों ने ये हलवा भी ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद ये मैं थोड़ा सा जो हमारा पिसा हुआ नारियल होता है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अब बस आप लोगों ने साथ साथ इसको भूनते जाना है। ये देखिए, कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है और जो हलवे का टेक्सचर है वो भी कितना अच्छा सॉफ्ट सा लग रहा है। आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ऐड करते जाएं, जितना आपको पसंद है।
अब ये चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है काजू का पेस्ट, काजू का पेस्ट इसमें ऐड किया है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त फ्लेवर देता है हमारे हलवे को। आप चाहे तो इसमें बादाम का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो आपका फ्लेवर है, टेस्ट है हलवे का, वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। आधा कप मैंने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जी, हमारा हलवा ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। घी भी निकल आया है अच्छे से और जो हमारा हलवा है उससे चम्मच भी छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त हमारा पेठे का हलवा हो गया है रेडी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको। और आगे सर्दियां आ रही है, ठंड और बढ़ रही है, तो उसमें तो ये वैसे ही बहुत ही शौक से खाया जाता है। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी मज़ेदार वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। आगे और भी बहुत से हलवों की रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ का पता चलता जाए। जी, डिश आउट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रेजेंटेशन कर दें। मैंने इसको पिसे हुए नारियल और ड्राई फ्रूट के साथ प्रेजेंट किया था। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत ही आला था, सबको मेरे घर में बहुत पसंद आया था। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। लेके आऊँगी मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।